चलिए जी, इशू ऑफ द वीक. एंड दिस वीक यू नो द इशू दैट हाईलाइटेड राइट द मीडिया लाइंस राइट दैट हॉग द मीडिया लाइंस यू नो या मीडिया को जिसने कैच किया दैट वाज अबाउट ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस अबाउट विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन जुडिशरी टॉपिक आल्सो. बट फिर भी आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं, बड़ा ज़रूरी है क्योंकि बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है. ठीक है, इशू क्या है? दैट इज़ कन्फ्रंटिंग our judiciary and its functioning is about what? Is about the need for an all India judicial service. मैंने आपको पहले बताया था कि at present, except High Court and Supreme Court judges, which are appointed by a collegium, ठीक है, right? Although under the Constitution लिखा है कि President appoint करेगा with the consent of Chief Justice, right? But the present appointment of High Court, जिनको हम Constitutional Court कहते हैं, present appointment of High Court and Supreme Court judges through a collegium, which consists of फाइव सीनियर मोस्ट जजेस हेडेड बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. इज अ क्लियर? सो फॉर अ सबॉर्डिनेट जुडिशरी जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहते हैं इज कंसर्न, वी हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ जजेस एट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. इतना पता होगा, सबसे बड़ा जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज होता है. वैन ही परफॉर्म्स क्रिमिनल फंक्शन तो उसको हम सेशन जज कहते हैं. देन वी हैव हायरार्की ऑफ अदर जजेस, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज. इज अ क्लियर? गॉट इट? उसके नीचे सी जी एम, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एंड देन ए हायरार्की ऑफ कौन से मैजिस्ट्रेट, क्लास वन, क्लास टू, राइट? सिमिलरली सिविल साइड वी हैव, क्या बोलते हैं हम, ऑन द सिविल साइड सिविल जज, यूनियन डिवीजन, सीनियर डिवीजन, ऐसा होता है ना, राइट? इन सभी जजेस की अपॉइंटमेंट एट प्रेजेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन कहाँ अप्लाई होते हैं इनके लिए? मैंने बताया था आपको आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक. आर्टिकल 233 to 237 ये प्रोविजन है सबॉर्डिनेट जुडिशरी को. जहां तक इनकी अपॉइंटमेंट की बात है, दैट इज डेल्ट विद अंडर आर्टिकल 233 एंड 234. इन दो आर्टिकल्स में डील की है जी इनकी अपॉइंटमेंट. ठीक है, और इतना समझ लेना एट प्रेजेंट इन जजेस को, प्रेजेंट सिस्टम आपको समझना पड़ेगा तभी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस समझ आएगी. प्रेजेंट जो सिस्टम है इन जजेस की अपॉइंटमेंट का, किसकी बात करें हम, डिस्ट्रिक्ट जजेस की, राइट फ्रॉम जूनियर लेवल कौन सा होगा, सिविल जज, सिविल जज यूनियन डिवीजन, क्या सिविल जज जूनियर डिवीजन, एंड देन उसके ऊपर प्रमोशन होती जाती है उनकी. बट पहली रिक्रूटमेंट जो बेस लेवल पे होती है उनको कहते हैं सिविल जज की, राइट? या हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी कह सकते हैं. उनकी रिक्रूटमेंट जो है वो स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन करता है इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट, और गवर्नर सिर्फ उनको फॉर्मली अपॉइंट करता है. याद रखना रोल किसका है, स्टेट का पब्लिक. जैसे हम हरियाणा का भी संडे को, सैटरडे को एग्जाम हुआ तो किसने कंडक्ट कराया, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने. किसकी कंसल्टेट पेपर किसने सेट करवा किया, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा. ठीक है, पेपर किसने सेट किया, उन्होंने रिजल्ट कौन निकाले कि पब्लिक सर्विस कमीशन एंड कंसल्ट विद हाई कोर्ट. आर यू गेटिंग मी? उसके बाद मेंस होगा उनका, वही तीन स्टेजेस में मेंस होगा एग्जाम, और उसके बाद मेंस कौन कंडक्ट कराएगी, अगेन हाई कोर्ट कंडक्ट कराएगी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू. उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलेगी, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में हाई कोर्ट बैठेगी, पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर होंगे, जनरली चेयरपर्सन होगा, और हाई कोर्ट के जजेस होंगे. एंड फाइनल लिस्ट जो निकलेगी उसमें हम कौन से सिविल जजेस को सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, हु विल बी पोस्टेड राइट एट द बेस लेवल इन द जुडिशियल हायरार्की एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिनको हम सिविल कोर्ट्स कहते हैं, छोटी मोटी कोर्ट्स. एग्जैक्टली, फिर उनकी प्रमोशन. तो आर्टिकल 233 में यही लिखा है कि इन सभी डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के थ्रू की जाएगी. इनका रिमूवल भी हाई कोर्ट करेगी. ठीक है, राइट? गवर्नर रिमूव नहीं करेगा, गवर्नर सिर्फ अपॉइंट करेगा. रिमूवल की सारी पावर, इवन रिजर्वेशन तक देने की पावर हाई कोर्ट की है. हाई कोर्ट की परमिशन के बिना सर कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन नहीं दे सकती सबॉर्डिनेट जुडिशरी में. नाउ All India Judicial Service, which has been contemplated, it seeks to change a bit, you know, कौन से a bit, कौन से this system, थोड़ा बहुत ही change करना चाहती करेगी. ठीक है, if this judicial you know service is put into place, and most likely it will be put into place, that district level पे जो top judges हैं, district level पे जिसको हम कहते हैं ADJ, additional district judge and district judge, are you getting me? ठीक है, जल्दी हम डिस्ट्रिक्ट जज की तो खैर प्रमोशन ही होती है एडीजी से, मेन एग्जाम होता है एडीजी का,
हायर जुडिशरी डिस्ट्रिक्ट के हायर जुडिशरी या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, राइट, और सबसे नीचे जुडिशरी या सिविल जज, आर यू गेटिंग मी? दोनों का एग्जाम प्रेजेंटली कौन कर रहा है? पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट का, इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। नाउ जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस करेगी वो एडीजे का जो एग्जाम है दैट विल बी कंडक्टेड बाई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जस्ट लाइक इट इज होल्डिंग एग्जामिनेशन फॉर टू ऑल इंडिया सर्विसेज। ये ऑल इंडिया लेवल पे हो जाएगी, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी एग्जाम की, एक सिलेबस होगा। अदरवाइज नीचे लेवल की जुडिशरी का एग्जाम की सिलेबस की वेरिएशन इतनी है, एक स्टेट में ये सब्जेक्ट है दूसरी में नहीं है, ठीक है, तो देयर विल बी यूनिफॉर्मिटी इन द सिलेक्शन प्रोसेस एज वेल एज सर्विस कंडीशंस, ठीक है, एंड देयर विल बी अ कंटिन्यूटी इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जैसे आईएएस का एग्जाम हर बार यूपीएससी का पूरा कैलेंडर एक साल पहले का पता होता है, ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा किसमें? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की रिक्रूटमेंट एडीजे लेवल पे, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे होगा और स्टेट के कॉडर के बेसिस पे उनको अपॉइंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यू आर फ्रॉम पंजाब, ठीक है, इफ यू क्वालिफाई एडीजे यू मे बी अलॉटेड गुजरात, इज दैट क्लियर? ठीक है, आई एस का यू आर फ्रॉम पंजाब यू मे बी अलॉटेड अरुणाचल प्रदेश इवन एनी वे, राइट, इज दैट क्लियर? तो दिस इज वॉट ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस सीक्स टू अचीव, दैट देर विल बी यूनिफॉर्मिटी इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ जजेस, जो कि एग्जाम रेगुलरली नहीं होते, ये एग्जाम रेगुलरली होगा, ठीक है। ओनली कंटेंशियस इशू जो इसके बारे में दिया जा रहा है, जो स्टेट रिप्रेजेंट कर रही है कि इट इज ए काइंड ऑफ अटैक ऑन आर पावर्स, बिकॉज फेडरलिज्म में हमें सबॉर्डिनेट जुडिशरी की पावर्स दी हैं, राइट, और ये पावर सेंटर अपने हाथ में लेना चाहता है, और ऐसा करके वो ऐसा टाइम भी आ सकता है कि सब कुछ ही हम अपने पास ले ले, ये देश फेडरल से यूनिटरी की तरफ जा रहा है, तो इसलिए वो अपोज कर रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि एटलीस्ट जितने भी सबॉर्डिनेट जुडिशरी में सबसे ज़्यादा केसेस जो वो लोकल कंडीशंस और लोकल लैंग्वेज में होती है, तो देर विल बी प्रॉब्लम ऑफ लोकल लैंग्वेज, आर यू गेटिंग मी? ठीक है, एक पंजाबी को गुजराती लैंग्वेज कैसे समझ आएगी जब केसेस उस भाषा में आर्ग्यू हो रहे हैं, उस भाषा में इंटरप्रेट हो रहे हैं, क्योंकि वो गुजरात के लोकल लॉज के भी केसेस होंगे, ठीक है, गुजरात लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, ठीक है, गुजरात लैंड यू नो टेनेंसी एक्ट, एग्जैक्टली, तो उसका आंसर सरकार ने ये दिया है कि जैसे ही आईएएस का कार्डर मिलता है उसमें भी लैंग्वेज सीखता है जब वो स्टेट में चला जाता है, ऐसे ही वो जज भी लैंग्वेज सीख लेगा ट्रेनिंग के टाइम, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट कॉन्टेक्स्ट एज सच, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव अग्री टू दिस कंसेप्ट, दिस आइडिया, ठीक है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत से केसेस में ये कह दिया कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस सेटअप की जानी चाहिए, राइट, बट फ्यू अपोजिशन रूल स्टेट्स आर स्टिल रिलेक्टेंट टू गिव देयर कंसेंट टू दिस आइडिया, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया व्हाट इज ऑल इंडिया, आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है, व्हाट ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस सीक्स टू अचीव, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, एंड तीसरा सिस्टम क्या चेंज होगा, एट व्हाट लेवल विल दिस ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस रिक्रूट द जजेस, राइट, एंड व्हाट आर द कंटेंशियस इश्यूज, राइट, व्हाई द स्टेट्स आर अपोजिंग दिस आइडिया, स्टेट्स अपोज कर रहे हैं इस आइडिया को। तो पहले तो आपने ये समझ लें, इज दैट क्लियर, नीड फॉर एन ऑल इंडिया जुडिशियल इशू है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्या, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग टू गिव अ फ्रेश पुश टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस ऑन द लाइंस ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज, सेंटर ऑन द लाइंस ऑफ सेंट्रल या ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, लाइक आईएएस एंड आईपीएस, उसके लाइन पे बनाने जा रही है, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट रेडी है, ठीक है। सिर्फ इसके लिए आपको पूछा जाएगा इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो आपको ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये है सबॉर्डिनेट जुडिशरी की रिक्रूटमेंट। तो पहला क्वेश्चन आपको व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट सबॉर्डिनेट जुडिशरी, तो आपने बोला अंडर आर्टिकल 233 टू 237, राइट, सबॉर्डिनेट जुडिशरी इज अंडर द डोमेन ऑफ द स्टेट्स, एग्जैक्टली, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि किसकी डोमेन में, स्टेट की। नाउ If we want to create an All India Judicial Service, just like हमने All India Civil Services जिसको IAS create की है या IPS create की है, इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, तो आपको पता है कि आर्टिकल 312 के अंडर ये प्रोविजन तो पता है ना आपको, इतना तो कॉन्स्टिट्यूशन का तो लैंडस्केप आपको पता होना चाहिए पहले। आर्टिकल 312 के अंडर, राइट, ये प्रोविजन है कि यूनियन पार्लियामेंट कोई भी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्रिएट कर सकती है या अबॉलिश कर सकती है जो एग्जिस्टिंग है, ठीक है,
बट अगर क्रिएट करना है तो यूनियन पार्लियामेंट के राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी से बिल पास होगा। किसकी किसकी पावर है अल्टीमेटली ऑल इंडिया जुडिशियल सब क्रिएट करने की? राज्यसभा की, ठीक है। 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट वोटिंग से बिल पास होगा और लोकसभा उसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करेगी और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्रिएट हो जाएगी। इसी प्रोसेस के थ्रू हमने 1961 में, ठीक है, 1961 में एक तीसरी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्रिएट की। व्हाट इज दैट? वी हैव हाउ मेनी ऑल इंडिया सर्विसेज नाउ एट प्रेजेंट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेंट्रल सर्विसेज, मैं IRS की बात नहीं कर रहा हूँ। UPSC का जो एग्जाम दे रहे हो, यू आर कम्पीटिंग फॉर हाउ मैनी? और IAS, IPS और IFS, विच वन? नो, फॉरन इज अ सेंट्रल सर्विस। फॉरन सर्विस जो है वो सेंट्रल सर्विसेज है, ग्रेड वन, ठीक है। तीसरी, यस, 1961 में हमने तीसरी सर्विस क्रिएट की जिसका नाम है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, 1961, ठीक है, उसी आर्टिकल के अंदर। तो ऐसे ही 312 आर्टिकल के अंदर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्रिएट होगी। दो पॉइंट क्लियर हो गए? इज दैट क्लियर तुम्हें? राइट, समझ? नाउ व्हाट है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्या है वो मैंने आपको पहले बताया। द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस रिफॉर्म पुश टू सेंट्रलाइज द रिक्रूटमेंट ऑफ जजेस। जजेस के रिक्रूटमेंट सेंट्रलाइज और यूनिफॉर्म की जाए। इट वुड वर्क एट द लेवल ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। ADJ बताया ना, इसको क्या बोलेंगे सिंपल फॉर्म में? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ADJ। टॉप जज कौन है डिस्ट्रिक्ट का? डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। व्हेन ही परफॉर्म्स क्रिमिनल फंक्शंस ही इज कॉल्ड अ सेशन जज। ADJ से डिस्ट्रिक्ट जज बनेगा डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। अगर राइट उसकी एलिजिबिलिटी एज है तो ही कैन बी प्रमोटेड एज ए हाई कोर्ट जज, ठीक है, एंड फ्रॉम हाई कोर्ट ही कैन गो मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये है प्रमोशन के एवेन्यूज, ठीक है। अदरवाइज यू नो जनरली जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेज आते हैं, राइट, दे आर फ्रॉम द बार, ठीक है, मोस्टली। बट यू नो मोस्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट आल्सो मेड फ्रॉम दिस हायरार्की आल्सो, एंड डिस्ट्रिक्ट जजेस फॉर ऑल स्टेट्स। इन द सेम वे दैट UPSC कंडक्ट्स अ सेंट्रल रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड असाइंस सक्सेसफुल कैंडिडेट्स टू कैडर्स, जजेस ऑफ द लोअर जुडिशरी आर प्रपोज टू बी रिक्रूटेड सेंट्रली एंड असाइंड टू स्टेट्स। स्टेट कैडर मिलेंगे। UPSC ने एग्जाम कंडक्ट कराया, राइट, यू आर फ्रॉम पंजाब, यू मे बी असाइंड राजस्थान कैडर, यू मे बी असाइंड अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। जैसे UPSC का एग्जाम होता है, आपको जब UPSC आप क्वालिफाई करोगे प्री, देन यू विल बी सप्लाइड विद अ DAF डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। वही आपका सारा काम करेगा, उसमें आपकी सर्विसेज की प्रेफरेंस, स्टेट की कार्डर की प्रेफरेंस। ऑल दो हमने वो लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कार्डर लेना अब राइट नहीं है, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया, क्योंकि उसका बड़ा डिस्प्यूट चल रहा था कि आपको कोई भी कॉर्डर मिलेगा बिकॉज यू आर इन टू ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है। वैसे ही इसमें भी कॉर्डर अलाट होंगे। द आइडिया हैज़ बिन डिबेटेड इन लीगल सर्कल्स फॉर डिकेड्स एंड रिमेन्स कंटेंशियस। कंटेंशियस वो स्टेट फेडरलिज्म के बेसिस पे पोस्ट कर रही है इसको, ठीक है, राइट। द लॉ कमीशन वे बैक इन 1958 सजेस्टेड फॉर द सेटिंग अप एन AIGS, लेटर इट वॉज रिट्रेटेड बाई जुडिशरी इन इट सेवरल जजमेंट्स, ठीक है, सेवरल जजमेंट्स में 1991 की ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टाइम हैज़ कम दैट वी शुड हैव एन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, ठीक है, दैट विल आंसर द डेफिशिएंसी ऑफ जजेस, बिकॉज स्टेट लेवल पे जजेस की रिक्रूटमेंट रेगुलर नहीं है। 4 साल बाद फॉर्म निकलेगा, 2 साल बाद निकलेगा, देख लें, ठीक है। ऑल दो इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, राइट, कीपिंग इन द पेंडेंसी ऑफ द केसेज, 4 करोड़ केसेज तो सिर्फ सबॉर्डिनेट जुडिशरी में, अब तो हर स्टेट रेगुलर निकाल रही है, बट फिर भी सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है, रेगुलरिटी नहीं, ठीक है। तो अब हर स्टेट में वैसे रेगुलर निकले हैं बिकॉज केसेस इतने पेंडिंग। ऑल राइट, वॉट इज द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में आपको बता चुका हूँ कि आर्टिकल 233 एंड 234, ऐसे 233 से 237 तक प्रोविजन है किसकी? सबॉर्डिनेट जुडिशरी के। बट दीज टू आर्टिकल्स 233 एंड 234 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड प्लेस इट इन द डोमेन ऑफ द स्टेट्स एज सबॉर्डिनेट जुडिशरी इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। गॉट इट? द सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्टेड बाय द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, बता चुका हूँ मैं आपको, प्रेजेंट सिस्टम पता है ना आपको, कमीशन एंड द कंसर्न हाई कोर्ट, सिंस हाई कोर्ट्स एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन ओवर द सबॉर्डिनेट जुडिशरी इन द स्टेट, राइट फ्रॉम प्रमोशन, ठीक है, ADJ से डिस्ट्रिक्ट जज बनना है, राइट फ्रॉम प्रमोशन टू डिसमिसल, राइट,
सब कुछ हाई कोर्ट के अंडर पावर है. राइट, पैनल्स ऑफ हाई कोर्ट जजेस इंटरव्यू कैंडिडेट्स आफ्टर द एग्जाम एंड सेलेक्ट देम फॉर एन अपॉइंटमेंट. ठीक है, ऑल जजेस ऑफ द लोअर जुडिशरी अप टू द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज आर सेलेक्टेड थ्रू ए प्रोविंशियल सिविल सर्विस जुडिशियल एग्जाम, PCS जुडिशियल, PCS एग्जीक्यूटिव. ठीक है, PCS एग्जीक्यूटिव वो एग्जीक्यूटिव वाली साइड चले जाएंगे और जुडिशरी वाले डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में आएंगे. ठीक है, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम सिविल जज. राइट, व्हाई एन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, क्यों? तीसरा क्वेश्चन, द मेन रैशनल इज टू इंश्योर, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एफिशिएंट सबॉर्डिनेट जुडिशरी. इसका सबसे बड़ा पुश क्यों गवर्नमेंट कर रही है, जो कि ये इसलिए 100% श्योर है कि कमिंग सेशन में ये बिल पास करवा देगी. इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. क्यों बताइए? बिकॉज हैविंग एन एफिशिएंट सबॉर्डिनेट जुडिशरी, राइट, इज टू इंश्योर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. नहीं समझे? ठीक है, और इस गवर्नमेंट का, बिकॉज इट इज़ ए कैपिटलिस्ट माइंडसेट गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट का पर्पज ही है कौन सा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. इन्वेस्टमेंट आए, ठीक है, बिजनेस करना आसान हो. इस बिजनेस करना तभी आसान होगा इफ़ देर इज रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ का मतलब है इफ़ देर इज ए स्पीडियर रेजोल्यूशन ऑफ केसेज एंड डिस्प्यूट्स. ठीक है, राइट, सबसे बड़ा बैरोमीटर है बिजनेस करने का एफिशियंट जुडिशियल सिस्टम. ठीक है, तो इट विल अट्रैक्ट फॉरन इन्वेस्टमेंट बाई सेंडिंग अ गुड मैसेज अक्रॉस द बॉर्डर्स दैट इंडियन जुडिशरी इज एफिशियंट, राइट, एंड कॉम्पिटेंट टू हैंडल कॉम्प्लिकेटेड केसेस ऑफ द प्रेजेंट एरा. ठीक है, राइट, जो कि इस जुडिशियल, अब UPSC हु रन्स द कंट्रीज, अल्टीमेटली सिविल सर्वेंट्स यार, राइट, कितने ये गवर्नमेंट लोग, कितना रिग्रस एग्जामिनेशन सिस्टम है. एंड देन वी सेलेक्ट द कैंडिडेट्स हु अल्टीमेटली फॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री और फॉर दैट मैटर एनी स्टेट. सेम इज द केस विद इट, कितने एफिशिएंट जजेस आएंगे, राइट? तो एफिशिएंट सबॉर्डिनेट जुडिशरी. दूसरा रैशनल क्या है इसका? एड्रेस स्ट्रक्चरल इश्यूज सच एज वेरिंग पे एंड रिमुनरेशन अक्रॉस स्टेट्स. ये भी है कि कुछ स्टेट में जजेस की, राइट, सैलरी इतनी है कि, बिकॉज स्टेट की मर्जी है ना, राइट, स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर कोई प्रोवाइड किया जा रहा है. पंजाब जुडिशरी में तो बड़ा बुरा हाल है, स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, राइट, तो वेरिंग रिमुनरेशन अक्रॉस स्टेट्स वो खत्म हो जाएंगे, राइट, फिलिंग अप वैकेंसीज फास्टर. ठीक है, जो वैकेंसीज हैं हमारी जुडिशरी में उनको फास्टर, बिकॉज रेगुलर रिक्रूटमेंट हो रही है ना. ठीक है, एंड टू इंश्योर स्टैंडर्ड ट्रेनिंग अक्रॉस स्टेट, एक जैसी ट्रेनिंग, जैसे इसका एक ऑल इंडिया जुडिशियल अकेडमी बन जाएगी, जैसे मसूरी में IAS और बाकी को होती है, ऐसे एक ऑल इंडिया जो कि ऑलरेडी हमारे पास है, दैट इज इन भोपाल, वहाँ जाके ट्रेनिंग होगी. ठीक है, ऑल इंडिया जुडिशियल अकेडमी में, ठीक है, IAS की कहाँ होती है? मसूरी में. सेम इज द केस. ठीक है, स्टैंडर्ड ट्रेनिंग अक्रॉस स्टेट्स. ठीक है, जुडिशियल व्यू क्या है? इन 1992 द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द सेंटर टू सेटअप एन AIJS इन ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन यूनियन ऑफ इंडिया केस. याद रखना, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एग्जॉर्ट किया, इंसिस्ट किया कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस सेटअप करो. ठीक है, बाई अमेंडमेंट एंड 1992 के अगेंस्ट ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन यूनियन ऑफ इंडिया केस. इन 1993 इन रिव्यू ऑफ द जजमेंट द कोर्ट लेफ्ट द सेंटर एंड लिबर्टी टू द इनिशिएटिव ऑन द इशू. 92 से यह मैटर चल रहा है जी. 2017 द सुप्रीम कोर्ट टुक सू मोटो कॉग्निजेंस ऑफ द इशू ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड मूटेड and mooted, oh yeah, and mooted the idea of AIJS 2017 mein, again, right? Why do states oppose the idea? ठीक है, स्टेट क्यों oppose कर रही हैं? तो उसका आंसर सिंपल आपने जा रखना है. Why do states? It is an attack on federalism. ठीक है, federalism के attack मान रही हैं, blow to federalism. ठीक है, तो पहले AIJS is seen as an affront to federalism and encroachment of the powers of the state granted by the constitution. ठीक है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, लैंग्वेज एंड रिप्रेजेंटेटिव फॉर एग्जांपल आर की कंसर्न हाईलाइट. स्टेट ये कहते हैं कि नीचे वाले जितने भी कोर्ट्स फंक्शन करते हैं वहाँ लैंग्वेज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज वहाँ इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन कंपल्सरी करता है सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए. नीचे वाली कोर्ट में सारी लोकल लैंग्वेज चलती हैं. एंड वैन यू रिक्रूट द जजेज ऑन एन ऑल इंडिया बेसिस हाउ वुड दे कोप अप विद द केसेस इन द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स विच आर इन द लोकल लैंग्वेज. तो लैंग्वेज एक प्रॉब्लम है. ठीक है, जो कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आंसर दे दिया कि इसके लिए हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे. जो कार्डर तो परमानेंट है ना, ठीक है, उसमें तो वो लैंग्वेज जैसे IAS ऑफिसर सीखता है वो भी सीख लेगा, राइट. कोटास, राइट, तो कुछ स्टेट ये भी कहते हैं कि
इसमें जो कोटा हम जो शेड्यूल का था थ्रू ट्राइब्स को जो कोटा दे रहे हैं वो भी कम हो जाएगा, बिकॉज फिर ऑल इंडिया बेसिस पे आ जाएगा कोटा, बिकॉज हम यहाँ उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए हम अपनी मर्जी से उनको कोटा प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑल्दो इट शुड नॉट एक्सीड 50%, बट वो भी अफेक्ट होगा, तो ये भी एक रीज़न दे रहे हैं। सेपरेशन ऑफ पावर, द अपोजिशन ऑल्सो बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन कंसेप्ट सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, कि ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट अल्टीमेटली किसके हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गई, ठीक है। और सेपरेशन ऑफ पावर क्या कहती है, जजेस मस्ट बी अपॉइंटेड बाय द जजेस, ठीक है, तो ये भी एक अपोजिशन है। ये याद रखना कि क्या कंटेंशंस क्या है, नॉट ए कंप्लीट रेमेडी। तो दूसरा ये कहते हैं कि अगर ये आप कहते हो कि केसेस का जो बैकलॉग है उनको रिजॉल्व करने का ये सोल्यूशन है, तो केसेस इससे रिजॉल्व नहीं होंगे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस से, ठीक है, राइट। उसके लिए हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कैसे होंगे, राइट, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन द डिस्पोजल ऑफ केसेस, राइट, अमेंडमेंट ऑफ लॉज, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, लॉ में अमेंडमेंट की जाए सो दैट जिसकी वजह से केसेस डिले होते हैं उन लूप होल्स को हम प्लग इन करें। अर्जमेंट कितनी देनी है, कितनी बार वकील को नोटिस दिया जाएगा कि अब ये लास्ट तुम्हें चांस है, राइट, वो सारी चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट। देन व्हाई इज़ द यूनियन गवर्नमेंट पुशिंग द आइडिया, वो मैंने आपको बताया, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट क्या उसको पुश कर रही है, ये एग्जाम्पल इज, ठीक है, कौन सा, इम्प्रूव द रैंकिंग इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें रैंकिंग, ठीक है, आप उसका आप सीधा आंसर लिखना कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सबसे बड़ा बैरोमीटर है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मीन्स स्पीडियर डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट्स एंड रेजोल्यूशन, ठीक है, इससे, ठीक है, इसलिए आईएएस की एग्जांपल देते हैं। वे फॉरवर्ड क्या है, ठीक है, द अन इनसर्मेंटेबल नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस कॉल्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए रिक्रूटमेंट सिस्टम दैट रिक्रूट्स एफिशिएंट जजेस इन लार्ज नंबर्स फॉर स्पीडी डिस्पेंशन ऑफ केसेस, ठीक है। हाउएवर Before AIGS gets into the legislative framework, there is a need to build consensus and take a decisive step towards the AIGS. So consensus develop karne ke, which has almost been developed by this government, except a few opposition rule states, which are also taken on board. You know, the consensus ki koi baat nahi hai. Unless there is a consensus, government is not ready to push up this idea. So almost, except few opposition like West Bengal, unko chhod ke sabhi state ab agree kar chuki hain. All India Judicial Service के लिए, and this is the next reform we can expect in our country with the formation of an additional All India Judicial Service by the Union Parliament. ठीक है, UPSC will be the conducting recruiting agency for that matter. So this is all about for today. Thank you so much. Bye bye.